हेलो गाइस, इट्स योर बॉय रिच और आज हम बात करने वाले आदिपुरुष के बारे में, क्योंकि हर रोज जब से उसका टीजर आया, कभी बैन आदिपुरुष, कभी बॉयकॉट आदिपुरुष, मतलब ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो लोग मतलब जानते भी नहीं है ना ट्विटर और इंस्टाग्राम के बारे में, उनके मतलब व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा हूँ मैं तो उनके लगे हुए हैं कि बॉयकॉट आदिपुरुष, बैन आदिपुरुष। उनको पता भी नहीं है कि बॉयकॉट का मतलब क्या होता है और ऐसे लोग भी इस मूवी को बॉयकॉट करने पर तुले हुए हैं। मतलब इतना तो मैंने ब्रह्मास्त्र के टाइम, लाल सिंह चड्ढा के टाइम पर भी नहीं देखा था भाई। आदिपुरुष तो बहुत हद हो गई भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा। देखो मूवी का टीजर तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब था। मतलब उनका वीएफएक्स, उनका जो विजन था डायरेक्टर का, वो बहुत ज्यादा खराब था। मतलब उनकी सोच और हमारी सोच में ऐसे इतना बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए ये सब हो रहा है और ये सब हमको देखने को मिल रहा है कि बॉयकॉट आदिपुरुष। मतलब भगवान श्री राम पर, रामायण पर एक मूवी बन रही है, लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टर ने काम अच्छा नहीं किया, उनका विजन है वो सही नहीं था। कुछ लोगों का बोलना है कि मतलब श्री राम तो खड़ाऊ पहनते थे पैरों के अंदर, उन्होंने मतलब सफेद धोती आज तक कभी नहीं पहनी, मतलब कैसे पहना दिया उन्होंने। एंड उनके पैरों में लेदर की सैंडल, हनुमान जी को भी लेदर के कपड़े पहनाए गए। एंड मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लोग ये बोल रहे हैं। सुनने में तो यह आया कि स्टेट के सीएम है, उन्होंने मतलब ऐसे कोई कंप्लेन की है कि मतलब आप इसे तो चेंज कीजिए या फिर होने वाला है भाई मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है कि मूवी बैन हो सकती है इंडिया में अंदर, वो भी रिलीज से पहले ही? वो भी रामायण पर बनी हुई मूवी बैन हो रही है, बिलीव नहीं होता भाई साहब। और कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रभास है वो श्री राम के कैरेक्टर में बिल्कुल भी बैठ नहीं रहे हैं। जो पुराने टाइम में रामायण आती थी उनके अंदर जो कैरेक्टर थे, हमने उनको रियल मान लिया कि भाई रियल में वही है और वो हम देखने को भी मिलता है। अगर प्रभास हमको वैसे कभी मतलब मूवी के बाद में दिखे तो आप मान सकते हो कि वो राम जी है, मतलब ऐसे मान सकते हो? कोई नहीं मानता भाई साहब, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पुराने टाइम में जो अरुण गोविल सर ने मतलब क्या काम किया था, अब वो कहीं पर दिख जाए ना तो लोग उनको ही राम जी मानने लगते थे, उनके पैर छूते। वो होता है काम, वो होता है कैरेक्टर। यहाँ पर श्री राम जी को इतने गुस्से में दिखाया हर सीन के अंदर, वो ऐसा लग नहीं रहा कि यार ये श्री राम जी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, कुछ अलग ही लग रहा है। और वो एक राम जी और सीता जी का जो सीन था, मतलब ऐसे वो झूले पर बैठी है एंड चारों तरफ फूल ही फूल है, ऐसा लग रहा है कि कोई फूलों का मतलब बहुत बड़ा बगीचा है, वहां पर उनको रहने के लिए जगह दी है। तो मेरे को लगता है एक साइड डायरेक्टर जी है ना, उनके जो अमरावती, उनको पता नहीं है कि वो वनवास पर आई थे 10 साल के लिए। वनवास आपने देखा जहाँ पर उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कांटों वाले रास्ते थे, मतलब पत्थर वाला रास्ता। आपने अगर रियल रामायण पढ़ी हो, देखी हो तो आपको पता होगा ऐसे फूलों के बगीचे नहीं थे वहां पर। और रावण की तो बात ही क्या करें भाई साहब, क्या रावण, भाई रावण जैसा भी था ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी। मतलब 2 साइड कटिंग करा के कट लगवा के वो कभी भी नहीं आता ना, तो उसके सर पे मुकुटे ना लंबे बाल। मतलब पुराने टाइम में तो कुछ ऐसे कटिंग तो करता ही नहीं था। इन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है कोई मुगल साम्राज्य का कोई राजा है जो बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है, लगता रहा है कि मोहम्मद गोरी है। मतलब एक सीन में जब रावण चल के आ रहा है ना, वो भी मैंने देखा नहीं भाई, इनको मतलब सर एकदम रियल है, बाकी के नीचा पूरा को पूरा नकली है, पूरा ऐसे चल, उनका वॉक भी नहीं पता करिए। और पीछे की तरफ देखा तो वैसा ऐसा लग रहा है पुराना जो थोर की मूवी का एस गार्ड है ना, वो है, और उसको थोड़ा बहुत डार्क करके ऐसे लगा दिया कि हाँ भाई ये रावण की लंका है। इतनी डार्क सोने की लंका थी रावण की, पता है या नहीं आपको डायरेक्टर साहब? या फिर हो सकता है कि हनुमान जी ने मतलब जो लंका है उसको जला दी तो वो पूरी पूरी काली हो गई, ये उसके बाद का सीन हो सकता है। हमने मूवी कहाँ देखी, हम तो ऐसे जज नहीं कर सकते ना। देखो इस मूवी का पूरा पूरा सीजीआई इफेक्ट है, पूरा पूरा एनिमेटेड है। मतलब उन्होंने एक भी रियल लोकेशन पे जाके शूट नहीं किया, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सब कुछ शूट किया। और सब कुछ आपको अगर एनिमेशन करना है, सब कुछ आप एनिमेशन करोगे तो 500 करोड़ तो बहुत कम है पैसा, ऐसे पानी की तरह बह जाएगा। उसके अंदर भी उन्होंने पूरा पूरा 500 करोड़ नहीं लगाया, मतलब 250 करोड़। ये सुनने में आ रहा है कि 250 करोड़ रुपए लगाकर भी आपने ऐसा इफेक्ट बनाया, सब कुछ एनिमेशन किया है, तो यार कैसे होगा? अब बात ये आती है कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रोल तो ये हो रहे हैं और जैसे जैसे मतलब ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से कोई भी इस मूवी को देखना नहीं जाने वाला। अगर इसका ट्रेलर ये लोग अच्छा नहीं करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाले हैं। और टी सीरीज तो भाई अब मेरे को नहीं लगता कि प्रभास को एक बड़ी मूवी देंगे। अभी भी इनके पास 3 महीने है और 3 महीने में जितना मतलब रेंडर कर सकते हो, जितना उसको नेचुरल बना सकते हो, कोशिश करेंगे तो ये हो भी सकता है। और बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर तो बहुत अभी अधूरा पड़ा है काम, और ये मूवी अगस्त में आने वाली थी भाई, ऐसे आ जाती तो भाई इनकी तो हालत खराब हो जाती। अगर मैं अपना मतलब दिल से बताऊं तो भाई ये मूवी अब ठीक नहीं हो सकती, इनको बहुत ज्यादा रीशूट करने पड़ेंगे, बहुत इसके अंदर वीएफएक्स सारा चेंज करना पड़ेगा। 500 करोड़ तो पहले से लगा चुके हैं और वो कितना पैसा लगाएंगे, और कोई भी चांस नहीं है कि 500 करोड़ मतलब और भी उन्होंने 5 साल लगाने के बाद भी, ठीक करने के बाद भी पब्लिक ने मतलब बॉयकॉट कर दिया तो हो गया काम भाई। मेरे को नहीं लगता है कि ये फिर से भी ठीक हो पाएगी। जैसे भी है इसे बोल दो कि यार बच्चों के लिए मूवी बनाई है हमने, कार्टून वाली मूवी है सिर्फ बच्चों के लिए, तो बच्चे जाएंगे देखने, हम क्यों जाएं? कुछ लोग तो इसको एक गेम भी बोल रहे हैं कि ये एक नया गेम है आदिपुरुष नाम का, जिसको हम खेल सकते हैं। एंड ये आपको बहुत मतलब बहुत ज्यादा महंगा गेम है, इसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, 500 करोड़ का गेम है ये। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा PR टीम की, जिन्होंने मतलब क्या गेम खेला। उन्होंने जितने मतलब ब्लू टिक वाला जो इसके रिव्यूअर, जो मतलब क्रिटिक्स बोलते हो, उन सबको एक मतलब ऐसे इवेंट में बुलाया, एक उनके लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी, जिसके अंदर उन्होंने 3D के अंदर वो टीजर दिखाया एंड उनको शायद समोसे खिलाए होंगे। और उसके बाद सब लोग बोल रहे हैं कि जो ये टीजर है वो मोबाइल स्क्रीन के लिए नहीं है, मतलब मूवी है मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन के लिए नहीं है, ये पूरी मतलब थिएटर में एंजॉय करने के लिए है। और इसको आप 3D में देखोगे तब आपको पता चलेगा, उसका भी इफेक्ट सीधा हमने बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन आप मोबाइल पे देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, वो तो मोबाइल में ऐसे दिख रहा है। हमने 3D में बहुत बढ़िया किया है और सभी लोग बोल भी रहे हैं कि 3D के अंदर ये जो इसका टीजर है वो बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे पागल वागल लिखा हुआ है, क्या हमको पता नहीं है क्या वीएफएक्स सीजीआई को 3D में देखो 2D में देखो क्या फर्क होता है, क्या समझ क्या रखा आपने हमको, कुछ भी बोलोगे मान लेंगे ये। अब वो तो बात हो गई ना भाई, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप ऐसा बना रहे हो ऊपर से बोल रहे हो कि नहीं। अब उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है था, उनको अगर 500 करोड़ है कुछ भी करके उन्होंने मतलब 100-200 करोड़ कमाना ही है, तो वो तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, लेकिन बहुत बढ़िया गेम खेला अपने पीआर टीम। और कहीं से उड़ती चीजें मेरे को खबर भी मिली है कि इस मूवी के अंदर 8000 वीएफएक्स शॉट्स है भाई साहब, 8000 किसको बोलते हैं, मार्वल के एवेंजर्स के उसके अंदर 2200-2300 वीएफएक्स शॉट्स है पूरे, इसके अंदर 8000 तो भाई 500 करोड़ कुछ भी नहीं भाई, 500 करोड़ तो ऐसे भेज जाएगा यार। सब कुछ बात करने के बाद मेरे को दिमाग में एक ये मतलब एक पॉइंट आया कि मतलब ओम राव जिसके मूवी के डायरेक्टर, उनका विजन सही नहीं था। वो लोग मतलब इसको चाहते थे कि हम पूरा एनिमेशन करके बनाएंगे, रियल नहीं शूट करेंगे, पूरा ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके उन्होंने बनाया एंड ये उनकी थॉट थी कि सबको पसंद आएगा। और अब नहीं आया, उनकी क्या गलती है, उन्होंने मतलब सोचा होगा कि सबको पसंद आएगा, ये कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब क्रिएटिविटी के नाम पर वो कुछ भी दिखा रहे हैं हमको, लेकिन उनका सोच था विजन था, अब उनका विजन परफेक्ट नहीं था। आई थिंक एक और रामायण आने वाली है एंड उसके लिए मेरे को लगता है कि वो लोग इससे कुछ सीखेंगे, उससे मतलब अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया होगा। मेहनत तो यही है कि अब वो रामायण तो आने वाली, सुनने में तो आ रहा है कि एक नई रामायण आ रही है, जिन्होंने मतलब दंगल मूवी बनाई है सेम वो भी डायरेक्टर वो बना रहे हैं रामायण नाम पर एक मूवी, उसके अंदर ऋतिक रोशन सर है, सुनने में ऐसा आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो भाई टीजर है ना बहुत ज़्यादा ऐसे डिसअपॉइंट किया उस टीजर ने, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यार, इतना खराब बनाएंगे क्या करते यार। चलो जो भी हो टीजर तो मेरे को पता है आपको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो, तब तक लीजिए वंदे मातरम।